हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइन आर्ट्स में सीबीएसई क्लास 12 की मॉडर्न पेंटिंग, जिसका नाम है संथल फैमिली। चलिए, जैसे कि हमेशा देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो सिलेबस में जो यूनिट 1 है पूरा हो चुका है, यूनिट 2 भी पूरा हो चुका है, और इसके आगे यूनिट 3 ये भी पूरा हो गया है। और यूनिट 3 में जो एक पार्ट जो हम लोग का रह गया है वो है स्कल्पचर्स का। स्कल्पचर्स में ट्रायम्फ ऑफ लेबर हो चुका है, और हम लोग कर रहे हैं संथल फैमिली, और रिमेनिंग रह गया है क्राइज अनहर्ड, गणेशा और चतुर्मुखी। तो अब इसमें जो संथल फैमिली है, इसके जो स्कल्पचर हैं वो है राम किंकर वैज। अब इसका जो हम लोग पिक्चर देख लेते हैं कैसा है। तो ये संथल फैमिली है, ये आप देख रहे हैं कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, बच्चे हैं, सर में कुछ उठाया हुआ है, और साथ में ऐसा लग रहा है कि कुछ जानवर भी साथ में चल रहे हैं। अब हमेशा जैसे आपको सिखा रहे हैं, और आप पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में भी बताते आए हैं कि जब भी कोई पेंटिंग हो, ये जो 5 पॉइंटर्स हैं इनको आप लिखिए। 5 में से अगर 4 पॉइंटर भी कोई बन रहे हैं तो भी आप उनको लिखिए। नेम क्या है? संथल फैमिली। आर्टिस्ट राम किंकर बेज। मीडियम क्या है? सीमेंट एंड कॉन्क्रीट को मिला के इन्होंने इसको बनाया है। जैसे कि देखने में भी आपको पता चलेगा, लग रहा है कि सीमेंट का बना हुआ है और कॉन्क्रीट का बना हुआ है, तो सीमेंट एंड कॉन्क्रीट को मिला के इन्होंने इसको बनाया हुआ है। और ये पीरियड कब बनाया गया? 1938 में बनाया गया है। और लोकेशन कहाँ पर मिलेगा ये वाली आपको अगर स्कल्पचर ढूंढना है, तो आप विश्व भारती कला भवन कैंपस शांति निकेतन में इसको आप देख सकते हैं। अब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? जो संथल फैमिली है, जो संथल फैमिली इज अ फ्री स्टैंडिंग आउटडोर स्कल्पचर, इट शोज द हैप्पी फैमिली ऑफ ट्राइबल पर्सन। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आपने पहले भी पढ़ा होगा संथल ट्राइबल्स के बारे में। तो ये एक संथल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक ऐसा स्कल्पचर है जो आउटडोर मतलब घर के बाहर रखने वाला ये स्कल्पचर बनाया गया है, और इज अ फ्री स्टैंडिंग मतलब इसको ये अपने आप में ही जहाँ पर भी रखा जाएगा वो अपने, इसको कहीं एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और इट शोज़ हैप्पी फैमिली ऑफ अ ट्राइबल पर्सन, ये दिखाता है कि एक खुश परिवार जो कि अपने परिवार में ही जिसको खुशी मिल रही है। Now, Santhal family is migrated from Santhal Pargana in Bihar in search of work and often spent a day at Shanti Niketan. तो जो संथल फैमिलीज हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं और सोशोलॉजी में भी पढ़ा होगा, या फिर अगर आप ये ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी ट्राइबल्स लोगों की जो परेशानियां हैं उसके बारे में तो सब अवगति होंगे। तो उसमें ये है कि जब इन लोगों को अपने फॉरेस्ट में से इन लोगों की जब इनकम नहीं हो रही थी, तो ये लोग अपना चीप लेबर भी करने लग गए थे। इनको बहुत कम पैसे में इनका जो मेहनताना इनसे लिया जाता था। तो ये सब जो थे बिहार में थे ये काम करने के लिए बंगाल जाते होंगे। तो ये संथल परगना मतलब होता है एरिया, ये संथल एरिया से बिहार में, जो कि बिहार में था, वहाँ से ये शांति निकेतन जाते थे काम ढूंढने के चक्कर में। एंड आर्टिस्ट मॉडल देम इन क्ले, तो आर्टिस्ट ने इनको क्ले में बोल सकते हैं, या फिर इसमें जो लिखा हुआ है कॉन्क्रीट एंड सीमेंट उसमें इन्होंने इसको बनाया हुआ है। अब आता है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन विद टू फिगर्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड, तो इसमें जो दो फिगर्स हैं ये अगल बगल खड़े हुए हैं। अ डॉग एंड अ चाइल्ड कैन बी सीन सिटिंग इन अ बास्केट हैंगिंग फ्रॉम अ पोल, तो एक एक जानवर दिख रहा है और एक जो बच्चा है वो भी दिख रहा है। डॉग इज अकंपनिंग द मैन, तो डॉग किसके पास में है? आदमी के पास में है डॉग। द फैमिली इज सीन टू बी माइग्रेटिंग, क्योंकि सामान वामान लाद के जा रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि जो फैमिली है वो कहीं वो जा रही है, माइग्रेट कर रही है। इट शोज लेबर माइग्रेशन, इट शोज अ हार्श रियलिटी ऑफ अ फैमिली विच इज फोर्स्ड टू लीव देयर ओन लैंड बिकॉज ऑफ हंगर, तो ये एक ऐसा दर्दनाक
किस्सा दिखा रहे हैं जिसमें कि लोगों को अपना जो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं वो छोड़ के इनको आगे बढ़ना पड़ रहा है, कहीं और जाना पड़ रहा है, नए इलाके में जाना पड़ रहा है क्योंकि इनको काम ढूंढना है और वहाँ पे उनका काम नहीं चल पा रहा है क्योंकि उनको कमाने का कोई भी जरिया वहाँ पे नहीं है और वो यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, इसीलिए वो बाहर जा रहे हैं। द स्कल्पचर इज रफ टेक्सचर्ड एंड इज मेड अप ऑफ ग्रेवल एंड रेड क्ले। तो जो आप देख सकते हैं इसमें इसमें इवननेस नहीं है, इसमें जैसे आप देखेंगे तो रफनेस दिखाई दे रही है, दाने दानेदार दिखाई दे रहा है। तो जो ये है, ये जो ये स्कल्पचर है, ये जो है रफ टेक्सचर्ड है, रफ टेक्सचर्ड है और ग्रेवल और क्ले या फिर सीमेंट इसको मिला के बनाया गया है। इट शोज द आर्टिस्ट कंसर्न एंड फीलिंग फॉर द लाइफ ऑफ दैट सिंपल पीपल अराउंड हिम। तो ये दिखाता है कि आर्टिस्ट को कितना इनके साथ हमदर्दी होगी जो इसने इनके ऊपर स्कल्पचर ही बना दिया। द कल्चर इज प्ले द स्कल्पचर इज प्लेस्ड ऑन पेडेस्टियल टू एस्टैब्लिश द क्लोज अर्थली कनेक्शन। तो जो स्कल्पचर है इसको स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, SC, जो स्कल्पचर है इसको आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म में रखा गया है टू एस्टैब्लिश द क्लोज अर्थली कनेक्शन, जिससे कि लगे जिससे कि ये एकदम जमीन से ही ये कनेक्टेड है, जैसे कि इसको एक जमीन से एक जो जो जुड़ा हुआ सा दिखाने के लिए ये इसको इन्होंने इसको एक प्लेटफॉर्म में एक पेडेस्टल में इसको बनाया है। तो ये जो संथल फैमिली का जो डिस्क्रिप्शन है ये इस तरीके से ख़त्म हो गया और आप इसको इसकी जो ये पिक्चर है एक बार फिर से देख सकते हैं कि इसमें आदमी है, औरत है, बच्चा है, इसके ऊपर सामान वामान लेके जा रहे हैं, यहाँ पे कुत्ता है। तो ये सब दिखा रहा है कि ये सब लोग अपनी जगह जो को छोड़कर कहीं नई जगह जा रहे हैं और इसको जो बनाया है रफ टेक्सचर्ड है ये, इसमें कंक्रीट और ग्रेवल का इस्तेमाल करा गया है और ये इनकी क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों जा रहे हैं, ये आप लिख देंगे तो ये आपकी जो पेंटिंग है ये अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग हमारा ये भी संथल फैमिली भी ख़त्म हुआ। जो मॉडर्न ट्रेंड्स के जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ये स्कल्पचर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और लेकिन आप याद रखिए कि इनके जो आर्टिस्ट हैं इन सबको आप ध्यान रखिए, ये किस मीडियम में बने हुए हैं ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टिंग में पेंटिंग में जब देखे तो देखा तो मीडियम ज़्यादातर सब में वाटर कलर था, लेकिन इसमें सबका बदल रहा है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इन सबको अलग अलग तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो है जो वन मार्क क्वेश्चन भी इसमें इस तरीके से बनेगा कि ये जो है कि ये संथल फैमिली के आर्टिस्ट कौन है, तो राम किंकर बेज हैं, तो ये राम किंकर बेज ने संथल फैमिली किस मीडियम में बनाई है, तो सीमेंट एंड कॉन्क्रीट में बनाई हुई है। और तो इस तरीके से इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ तक देखा गया है कि लोकेशन के बारे में या फिर कर्टिसी के बारे में जब आपको कोई पेंटिंग के बारे में या स्कल्पचर के डिस्क्रिप्शन करने के बारे में लिखा बोला जाए तब तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो ये इसकी ज़रूरत ये वन मार्कर में नहीं पड़ती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप CBSE क्लास 12 टीचर ह्यूमैनिटीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।